नमस्कार दर्शकों, एस्टुडे में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने वाले हैं ऐसी शख्सियत से जो कि पद्मश्री अवार्ड के लिए चुने गए हैं, और ये इसलिए चुने गए हैं क्योंकि ये जो कांच की बोतल होती है उसमें बैम्बू आर्ट जो है उसमें उन्होंने छोटी छोटी कोई मूर्तियाँ बनाई हैं, कलाकृतियाँ जो हैं वो बनाई हैं। तो हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड के लिए जो है चुना गया है, और जल्द ही इन्हें पद्मश्री अवार्ड जो है वो भी मिल जाएगा। तो हम उनसे जानते हैं कि इनको कितनी खुशी हो रही है। हाँ जी, नमस्कार सर, एच टुडे में आपका स्वागत है। पहले तो एच टुडे के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मौके पे यहाँ पहुँचे हैं, और मेरे को ये जो अवार्ड मिला है इसकी तो खुशी, जब बाकी लोगों को खुशी है तो मुझे तो होगी होगी, बाकियों को देख के मेरे को ज़्यादा खुशी हो रही है ऐसा कुछ। सर आपको कब पता चला, कब आपको कॉल आई उनकी? ये पिछले कल लिए कोई 11 बजे मेरे को कॉल आई PMO ऑफिस से, जॉइंट सेक्रेटरी की, कि आपका जो है ये कर दिया है और आप इसके लिए इंटाइटल हैं। सर आप मुझे ये बताएं कि आप बनाते कैसे हैं इसको, किस तरह से आप उसको बोतल जो है उसमें जो है कलाकृतियां बनाते हैं कैसे? हाँ, ये उसी में बनते, असेंबल उसी में होती है, बनानी बाहर होती है, कार्विंग बाहर करते हैं, फिर उसको अलग अलग इसमें पीसों में ले जाके अंदर जो है वो असेंबल करना होता है। लेकिन ये बहुत ही टफ है, इसके लिए ना तो कोई इंस्ट्रूमेंट काम करता है ना तो कुछ नहीं, क्योंकि बॉटल भी एक तो रफ होती है, तो इसमें जो इमेज होती है अंदर, जैसे कोई स्ट्रेट एकदम चीज़ डालोगे आप तो वो जिग जैग नज़र आएगी, तो उसको फिक्स करना जो है बहुत ही टिपिकल सा एक काम है ये। सर आप इससे पहले जो हैं कहाँ कहाँ पे प्रदर्शनियाँ लगा चुके हैं? मेरी प्रदर्शनियाँ यहाँ से हिम एकेडमी जो हमारे है हमीरपुर की एक रिप्यूटेड एकेडमी है वहाँ भी लगी है, उसके बाद NIT में तो काफ़ी बार लग चुकी है, और उसके बाद मेरे प्रागपुर में भी लगी, कांगड़ा में एक स्टेट लेवल का वो होता है लोहड़ी का फंक्शन होता है प्रागपुर में, तो वहाँ भी मैं लगा चुका हूँ। उसके बाद अपने इंटरनेशनल आर्ट गैलरी नग्गर जो है मनाली में, उसमें मैं 2 बार लगा चुका हूँ, शिमला बैटनी कैसल में लगा चुका हूँ, मंडी में लगा चुका हूँ, फिर अपने ऊना में लगा चुका हूँ। सर हिमाचल से बाहर और कहाँ पे? हिमाचल के बाहर से बहुत ज़्यादा इनविटेशन थे, लेकिन इसको ट्रांसपोर्ट करना जो था ना ये मेरे बस की बात नहीं थी, तो मैं इसको फिर अवॉइड करता था क्योंकि बड़ी डेलिकेटेड चीज़ें हैं ये, तो इनको ले कर जाना बड़ा मुश्किल होता था। अच्छा, तो आप सर हमें ये बताइए कि आप अभी तक जो हैं कितनी लगभग कलाकृतियां जो हैं ये बॉटल्स में फिक्स कर चुके हैं, बना चुके हैं ये? अभी तो मेरे पास जो कलेक्शन है वो 40 के करीब होंगी, वो बाकी जो थे कुछ मैंने वो गिफ्ट कर दिए, क्योंकि मेरे से वो संभाले नहीं जा रहे थे, फिर कहीं भी कोई ऐसा इवेंट होती थी तो वहाँ वो गिफ्ट करता रहता था बीच बीच में, तो 60-70 हैं सारी टोटल जो है मेरी ये अभी जो है। सर आपको जो पद्मश्री अवार्ड मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा और कब मिलेगा आपको? ये मेरे को दिल्ली में मिलेगा, राष्ट्रपति भवन में ये होती है, इसकी सेरेमनी होती है वहाँ पे, ये जो देंगे मुझे ये अवार्ड जो है। सर जैसे आपको कल आप बता रहे हैं कि आपको कॉल आई, तो आपका कैसा रिएक्शन था उस टाइम? उस टाइम तो बहुत खुशी हुई है, और उसको फिर उनका ये था कि इसको थोड़ा सीक्रेट रखना है, तो फिर वो अंदर बात रह नहीं रही थी कि मैं कब किसके साथ इसको शेयर करूँ, लेकिन शाम तक उसको कंट्रोल करना ही पड़ा इसके लिए। सर आप और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को जो न्यू जनरेशन है उसके लिए मेरी यही है कि एज ए प्रोफेशन भी इसको अपना सकते हैं, एज ए हॉबी भी, अगर इसको आप हॉबी के इसमें आप इसको लेते हैं तो आप जो गलत जो रास्ते हैं, बच्चे आजकल भटक रहे हैं इधर उधर के लिए, तो उससे बच सकते हैं और इसमें अपना टाइम जो लगा सकते हैं। सर इससे पहले आपको कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं अभी तक? इससे पहले मेरे को अपना ये जो हमीर गौर मिला था, ये सुजानपुर में इसकी ये हुई थी रसम, वहाँ पे मिला था, उसके बाद मेरे को अपना ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडियन बुक ऑफ एक्सीलेंसी अवार्ड, और एक एशिया का मिला है जिसमें मेरे को ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया गया है इसमें। सर आपको ये शौक कब से आपके मन में आया? ये मैं वो कर रहा हूँ 20 साल पहले, ये 2000 के आसपास मैंने ये स्टार्ट किया था, और उसके बाद फिर ये चलता गया और आगे आगे बढ़ते गए। इसे धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे
वो शख्स जिनको पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है, और अभी इन्हें जो है सिर्फ वेट है पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिलने का, जो कि दिल्ली में मिलेगा इन्हें। तो ये थी एसटीडी की स्पेशल रिपोर्ट दीपिका रानी की।